दिस इज़ आवर होम, जहाँ हम रह रहे हैं स्कर्दू में। टू बी वेरी एग्जैक्ट, शिगर स्कर्दू में। पहले चलते हैं अपने मेन एंट्रेंस या रूम की जानिब। सो दिस इज़ द एंट्रेंस एंड द डोर। ये कुर्सियाँ हैं जहाँ हम बैठते हैं। Okay, ji, these are the stairs. This is such a nice place. Wow. ये जी पानी है हमारा, चाय है, कॉफ़ी है। ये हमारा सिटिंग एरिया है। ये हमारा टीवी है, डस्टबिन है, ये वर्किंग डेस्क है। इधर आप काम शाम कर सकते हो, वाईफाई है। पीछे का व्यू है, बाहर का व्यू भी इधर से देखें कितना प्यारा आ रहा है, आपको दिखाएंगे। और ऊपर से आप नीचे बात भी कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ये जी मूवी देख रहे हैं हम खोज में। ये जी हमारे हालात हैं। आलू का पराठा, व्हाट इज दिस कॉल्ड, मनी व्हाट इज दिस कॉल्ड, चिकन समथिंग, दिस इज़ अ लोकल डिश। ये इन लोगों की डिश है, विद चपातीस एंड पानी एंड जूसेस। या सो खोज का हमारा आज लास्ट डे है, और मंथोका जाने पर, और मंथोका के बाद कटपना में हमारा स्टे होगा। आई होप इट्स गुड, इसी तरह मज़ा आए, क्योंकि वो भी इसी स्टाइल में है जो एक टेंट स्टाइल्स होते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के ये मल्टीपल रूम्स हैं। अभी कितना प्यारा सनलाइट का वो शेडो आ रहा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो पीछे ग्लेशियर देखेंगे, रिवर के ऊपर है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। अभी खैर झूले ले रहा हूँ, बचपन अपना ताज़ा कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत व्यू है, बंदा झूले ना ले तो क्या करे। ये जो दरख्तों का जंगल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी खोज रिज़ॉर्ट का एक पार्ट है। और आप चेक करें, ये खूबसूरत खूबसूरत दरख्त हैं, और दरख्तों के बीच में इन लोगों ने हैमक्स लगाए हुए हैं। खोज रिज़ॉर्ट में सिर्फ रहना नहीं है, सिर्फ रूम ऑसम नहीं है, द होल थिंग इन इटसेल्फ इज़ ऑन द रिवर फ्रंट, ब्यूटीफुल एम्बियंस। और कुछ ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं यहाँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको एक स्पॉट दिखाता हूँ। इधर से आना। गाइस, ये हम अभी झूले लेने लगे, उसके बाद वो हमारा ब्रेकफास्ट होगा इधर।
खोज रिजॉर्ट का अपना जो रेस्टोरेंट है बिल्कुल रिवर के सामने। सो 10/10 ऑन द एम्बियंस, 10/10 ऑन द फैसिलिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे इन स्कर्दू। These are breads, different types of bread. Very nice. This is a croissant. इधर apricots की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हम भी आ रहे हैं इसमें। तो ये इसका लोकल वाला लग रहा है मुझे। ये कैसा टैंक है? मतलब प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं कहूँगा कैसर, लेकिन टीसर जो मुझे समझ आ गई जो कह रहे हैं। ये इनकी डिश है, ये चाय के साथ कह रहे हैं ज़्यादा भी खाते हैं। फ्लफी से पराठा नहीं है, थोड़ा सा अपने पैन केक के टेक्सचर है। सो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट एट खोज हास। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, पर बहुत अच्छा था। यहाँ एक स्कर्दू में ना अभी तक लोकल डिश उस तरह एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली थी, तो ये अच्छी बात थी कि यहाँ एक आइटम था केसर, पैनकेक टाइप का था पर फीका था। मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब पराठा पराठा है, बट मज़ा आया। मतलब इट वाज एन एक्सेप्टेबली फ्लेवरफुल डिश, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अगर मीठे में इसे शामिल किया जाए तो अच्छा लगे हमारे टेस्ट बड्स को। बाकी एम्बियंस वाज अमेजिंग, हर एंगल से इतनी पिक्चर्स खींची, और इतना ज़बरदस्त जगह है ये कि आप जैसे अगर मैं इधर से आपको कुछ दिखाऊंगा, ऊपर पहाड़ दरख्त आ रहे हैं मेरे पीछे देखें। सो वी आर सराउंडेड बाय ह्यूमंगस माउंटेंस और दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों से बातें करते करते मैं भूल गया था कि मैंने कहाँ से ऊपर जाना था, तो वापस हो रहा हूँ, और वापसी पे भी आप देख रहे होंगे। वाह 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 वाह। सो अगर आप लोग स्कर्दू आ रहे हैं और आप लोगों को एक 5-स्टार एक्सपीरियंस चाहिए डाइनिंग का, खाने का, होटलिंग का, रहने का, वॉशरूम का, तो आई वुड हाईली रिकमेंड खोज। 100% सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ देयर सर्विसेज। हाँ, कुछ चीज़ों में ये ओवरचार्ज करते हैं, बट ऑब्वियसली यू गेट टू ओवरचार्ज व्हेन यू प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट सर्विसेज, राइट? तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वंडरफुल वंडरफुल रिजॉर्ट एंड इन माय ओपिनियन द बेस्ट प्लेस टू स्टे इफ यू आर विजिटिंग स्कर्दू। दिस हैज़ बीन ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एट खोज रिजॉर्ट। इनक्रेडिबल व्यूज, इनक्रेडिबल सर्विस, beautiful interior, comfortable furniture, comfortable bedding, all amenities including hair dryer, मतलब बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। कहते हैं ना होटल में रह के, outdoor sitting space excellent। सामान ले जाने के लिए भी इन लोगों ने ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। ये सामान लोड हो गया, हम लोग इधर बैठ के फिर जाएंगे। अगर आप लोग लग्जरी नेचुरल रिजॉर्ट चाह रहे हैं इन स्कर्दू, और आप चाह रहे हैं कि एक लग्जरियस पार्ट भी ये कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और नेचर का कंपोनेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ बेटर प्लेस देन खोज। और स्टाफ से लेके, सर्विस से लेके, इनकी एमिनिटीज, फैसिलिटीज सब कुछ टॉप क्लास था, और आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन कि अगर स्कर्दू आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। सो थम्स अप, कम्प्लीटली वर्थ द मनी। और इधर से खोज का चीज़ साइन ऑफ होता है। आप पूरा अगर स्कर्दू ब्लॉग देखेंगे तो आपको बाकी होटल्स का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और पूरे मेरे स्कर्दू ट्रिप का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, स्पेशली फॉर कपल्स हु आर लुकिंग फॉर हनीमून एंड दे आर लुकिंग फॉर ट्रिप आइडियाज और प्लेसेस टू विजिट। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल ब्लॉग फॉर देम। प्लीज़ टेक दोज आउट एज़ वेल। और दिस इज़ अ रिव्यू फॉर खोज। आई होप यू गाइस लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।